Hello children, welcome to your maths class with Poonam Bagga. We are going through chapter 14 factorization from class 8th maths. We have learnt two methods of factorization till now. The two factors are the method of common factors and the method of regrouping terms. We have also done exercise 14.1 based on these two methods, and I hope both these methods are very much clear to you. Now today we are going to learn how to factorize a given expression by using algebraic identities. For this, first we recall the algebraic identities that we learnt in chapter 9 in class 8 itself. If you have forgotten those, you go through chapter 9 once and then you can follow this chapter. The four identities that we learnt, these are given here. A plus b whole square, this is given by a square plus 2ab plus b square. A minus b whole square, it's equal to a square minus 2ab plus b square. Then we have the product of these two binomials, a plus b into a minus b. This is given as a square minus b square. And then x plus a into x plus b, it is given by x square plus a plus b into x plus ab. यहाँ आप देख रहे हैं कि दो बाइनोमियल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. फर्स्ट बाइनोमियल, सेकेंड बाइनोमियल, फर्स्ट बाइनोमियल, सेकेंड बाइनोमियल. In this case also you can relate it as a plus b into a plus b. दोनों बाइनोमियल सेम हैं और इसीलिए होल स्क्वायर हो रहा है, तो दो बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें ये रिजल्ट मिल रहा है. यहाँ पर भी आप दो बाइनोमियल्स देख सकते हैं, a माइनस b इंटू a माइनस b, दोनों सेम है इसलिए होल स्क्वायर कर दिया और फिर हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है. तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इन आइडेंटिटीज़ में दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट हो रहा है और मल्टीप्लाई करने से हमें ये एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं. तो ये तो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, और फैक्टराइजेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का ही रिवर्स प्रोसेस है. तो अब हमें जो एक्सप्रेशंस क्वेश्चन में दिए गए होंगे वो होंगे इस फॉर्म में. ये जो फॉर्म्स हैं राइट साइड में, इस फॉर्म में तो हमें एक्सप्रेशन दिए गए होंगे और उनको हम फैक्टराइज करके इन बाइनोमियल्स के फॉर्म में पहुँचेंगे. दो बाइनोमियल्स में स्प्लिट करेंगे इन एक्सप्रेशंस को. ये जो एक्सप्रेशन हमें दिए गए होंगे अब की बार, इनको हम दो बाइनोमियल्स में स्प्लिट करेंगे और ऐसा करने पर हम करेंगे इनको फैक्टराइज. ओके, हियर वी सी A number of expressions to be factorized are of the form or can be put into the form a square plus 2ab plus b square, a square minus 2ab plus b square or a square minus b square and x square plus a plus b into x plus ab. इस फॉर्म के एक्सप्रेशंस अब हमें दिए गए होंगे और हम इन एक्सप्रेशंस को यूजिंग दीज फोर आइडेंटिटीज़ जो अभी अभी हमने डिस्कस की हैं, इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे, उन दोनों बाइनोमियल्स में स्प्लिट करेंगे जिनके की प्रोडक्ट से ये एक्सप्रेशंस बने हुए हैं. तो अगर हमें एक्सप्रेशन दिया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह का एक्सप्रेशन अगर दिया गया हो तो आप देखेंगे ये फर्स्ट टर्म में स्क्वायर हो रहा है और ये टर्म भी एक स्क्वायर टर्म है. तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकेंगे, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज ए फ्रॉम हियर, बी फ्रॉम हियर, और क्योंकि ये टर्म प्लस में है तो प्लस एंड देन होल स्क्वायर. तो इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, एंड वी विल बी डूइंग द रिवर्स वर्क फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी. ये एक्सप्रेशन दिया गया होगा और हम रिवर्स में a प्लस बी होल स्क्वायर की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे में जो दो फैक्टर्स हो जाएंगे इस एक्सप्रेशन के, वो क्या होंगे, a प्लस बी, a प्लस बी. इसी तरह से हम इस एक्सप्रेशन को सेकेंड आइडेंटिटी की मदद से फैक्टराइज करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम थर्ड आइडेंटिटी की मदद से फैक्टराइज करेंगे और इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम फोर्थ आइडेंटिटी के यूज़ करते हुए फैक्टराइज करेंगे. फर्स्ट वी टेक द केस ऑफ दीज फर्स्ट टू आइडेंटिटीज़. ये फर्स्ट टू आइडेंटिटीज़ परफेक्ट स्क्वायर को डिनोट करती हैं. देखिए आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है हमें, a प्लस बी होल स्क्वायर, एक पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इससे. और ऐसे में वी टेक द केस फैक्टराइजेशन व्हेन गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. जब इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से लेंगे हम A, यहाँ से लेंगे हम B, और क्योंकि यहाँ बीच में है प्लस तो A प्लस बी होल स्क्वायर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और इस केस में अगर एक्सप्रेशन हुआ तो यहाँ से तो हम लेंगे A, यहाँ से लेंगे हम B, और क्योंकि ये है सेंटर में माइनस तो A माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में रखेंगे। वी टेक दीज टू एग्जाम्पल्स, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। हियर वी सी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसको हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचें कि हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर मेथड अप्लाई कर सकते हो तो कुछ कॉमन आपको मिलेगा ही नहीं, तो वो मेथड तो अप्लाई हो नहीं रहा। यहाँ पर आप रीग्रुपिंग ही नहीं कर सकते क्योंकि 3 टर्म्स हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग कर भी लिया आपने, एक्स कॉमन ले लिया तो फिर ये एज इट इज रह जाएगा, तो रीग्रुपिंग टर्म्स वाला मेथड भी यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में हम आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। और यहाँ क्या स्पेशल है आप देखिए, फर्स्ट टर्म ये एक्स का स्क्वायर है और ये जो टर्म है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है। और फिर आप इन दोनों को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 × x × 5 करके देखिए। यहाँ से तो x लिया, यहाँ से हमने 5 लिया, तो ये क्या बन रहा है 2 × 5 = 10x। बिल्कुल वही सेंटर टर्म मिल रही है हमें ऊपर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये और कुछ नहीं बल्कि ये फॉर्म है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, here we have this term square and then both multiplied by 2। तो ये तो फॉर्म बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी। यहाँ से तो हम लेंगे x, चलिए इसको अलग कलर से इंडिकेट करते हैं, यहाँ से हम लेंगे x, यहाँ से हम लेंगे 5 और यहाँ से हम लेंगे सिंबल। तो कैसे लिखेंगे देखिए, x ये सिंबल प्लस और यहाँ से 5 और फिर होल स्क्वायर। ये हो गया इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। और वो दो फैक्टर्स अगर आप अलग अलग देखना चाहें तो पहला फैक्टर भी x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर भी x प्लस 5। तो हमने इस एक्सप्रेशन को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है बाय यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है? इसी तरह से इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, x का स्क्वायर, ये टर्म भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर होता है, इट्स 10 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 10 स्क्वायर। और फिर यहाँ है माइनस तो माइनस लिखेंगे और एक बार इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख कर देखते हैं कि क्या हमें मिडिल टर्म मिल रही है या नहीं। 2 × यहाँ से x, यहाँ से 10, अब 2 × 10 = 20 और फिर x, येस इट्स 20x, सेंटर टर्म मिल रही है हमें। तो ये पूरा एक्सप्रेशन और कुछ नहीं बल्कि क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म। और अब सेकेंड आइडेंटिटी के रिवर्स से हम यहाँ से कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से इधर से तो लेंगे हम x, फिर ये सिंबल लेंगे, बीच वाला ये माइनस है तो माइनस लेंगे और यहाँ से हम लेंगे 10 और फिर इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, x, यहाँ से माइनस और यहाँ से 10 और फिर होल स्क्वायर। और ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। और अगर आप दोनों फैक्टर्स को अलग अलग देखना चाहें तो पहला फैक्टर भी x - 10 और दूसरा फैक्टर भी x - 10। तो यहाँ ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ये भी है परफेक्ट स्क्वायर। और इसीलिए कहा गया है कि फैक्टराइजेशन व्हेन गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन है ये अल्टीमेटली एक परफेक्ट स्क्वायर का ही एक्सप्रेशन है। और इसलिए जब हम देखें फर्स्ट टर्म भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ये टर्म भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो और सेंटर टर्म इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके मिल रही हो, तो अपने आप समझ जाइए कि यहाँ अप्लाई होगा रिवर्स ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी अगर यहाँ प्लस है और रिवर्स ऑफ सेकेंड आइडेंटिटी अगर यहाँ पर माइनस है, और वही हमने किया है। अब हम चलते हैं उस केस में जहाँ 2 स्क्वायर टर्म्स हो और उनके बीच में हो माइनस। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इन एक्सप्रेशंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स। 3 टर्म्स आर देयर इन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। और इस तरह के एक्सप्रेशंस में भी कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहचान क्या है, 3 टर्म्स हैं और ये जो फर्स्ट टर्म और ये टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं। तब हम कह सकेंगे कि ये पूरा एक्सप्रेशन फर्स्ट या सेकेंड आइडेंटिटी से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और इस तरह से हमें फैक्टराइजेशन करना है। एक बार फिर से क्या पहचान है, नंबर ऑफ टर्म्स 3, फिर जो फर्स्ट टर्म है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगी और ये जो टर्म देख रहे हैं हम ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो दो टर्म्स हमें इसमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगी और फिर एक टर्म होगी जो मिलेगी 2 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों नंबर्स को। ऐसे में जब हमें एक्सप्रेशन मिलेगा तो हम फर्स्ट टू आइडेंटिटीज़ का रिवर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इफ़ वी आर गिवन ओनली टू टर्म्स, that two square terms and with a minus sign in between, or we can say expression is difference of two squares. Factorization when given expression is difference of two squares. देखिए ये square है, ये square है और बीच में है minus, तो दो squares का difference। जब इस तरह का expression हो तब हमारा factorization कैसा होगा? इन्हीं terms के case में a plus b और a माइनस बी, जिसका स्क्वायर हो रहा है दोनों में, जिन जिन का स्क्वायर हो रहा है एक बार उनके बीच में प्लस लेंगे और एक बार उनके बीच में माइनस लेंगे। ये एग्जाम्पल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। 64 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप पहचानिए कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर, ओनली टू टर्म्स। फिर हम देख रहे हैं कि x तो स्क्वायर हो ही रहा है, 64 भी किसी का स्क्वायर होता है, इट्स 8 स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दो स्क्वायर टर्म्स का डिफरेंस है, ये दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस है और फिर दोनों ही टर्म्स में स्क्वायर है। ये केस है थर्ड आइडेंटिटी का, ये बहुत बड़ी पहचान है थर्ड आइडेंटिटी की। कितनी टर्म्स होंगी? ओनली दो टर्म्स। देन देयर विल बी अ माइनस साइन इन बिटवीन एंड देन द टू टर्म्स विल बी स्क्वायर्ड टर्म्स एंड सो हियर। नाउ व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? फैक्टर्स क्या होंगे? 8 प्लस एक्स, 8 माइनस एक्स, दीज टू विल बी द फैक्टर्स। कितना सिंपल है, सिंगल लाइन आंसर्स हैं, बस समझने की देर है। एक बार समझ में आ जाए तो बहुत मज़ा आता है, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस होते हैं। सिमिलरली टेक दिस केस 49x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। देखिए दो टर्म्स हैं, स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, बीच में माइनस भी है, तो बढ़िया है। यहाँ आप इसको 49 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज 7x होल स्क्वायर। 49 हो गया 7 का स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर, माइनस इसको कैसे लिखेंगे? 4y होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, इस ब्रैकेट का मतलब है कि 7 का भी स्क्वायर करना है और x का भी, तभी तो 49 भी आएगा और x स्क्वायर भी आएगा। इसी तरह से इस ब्रैकेट का मतलब 4 का स्क्वायर भी करना है और y का स्क्वायर भी, तो 4 स्क्वायर से हमें 16 मिलेगा और y स्क्वायर से हमें y स्क्वायर मिलेगा। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, दोनों स्क्वायर टर्म्स हैं और बीच में है माइनस, सो दिस कैन बी रिटन एज 7x प्लस 4y इंटू 7x माइनस 4y। कितना सिंपल है, ईजी है। यहाँ एक चीज़ और, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसा होता तो क्या तब भी हम इसी तरह से स्प्लिट कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बीच में है प्लस, तो बीच में प्लस होगा तो हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तब हमें इसे एज इट इज़ ही लिखना होगा, इसका फैक्टराइजेशन आगे नहीं होगा। फैक्टराइजेशन कब कर पाएंगे? जब हमारे पास दो स्क्वायर्स का डिफरेंस हो, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर थर्ड आइडेंटिटी। तो जब भी दो टर्म्स हो, क्या आइडेंटिटी है इसकी? दो टर्म्स होनी चाहिए, टू टर्म्स, ये पहचान है। माइनस साइन होना चाहिए बीच में और फिर हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म्स हैं ये स्क्वायर टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तब हम अप्लाई करेंगे थर्ड आइडेंटिटी। फिर से एक बार, फर्स्ट टू आइडेंटिटीज़ कब अप्लाई करनी है? जब नंबर ऑफ टर्म्स हो 3 और फिर हम देख रहे हो कि दो टर्म्स ऐसी हों जो परफेक्ट स्क्वायर्स हों, तब हम फर्स्ट टू आइडेंटिटीज़ अप्लाई करेंगे। प्लस होगा यहाँ पर इस केस में तो फर्स्ट आइडेंटिटी, माइनस होगा तो सेकेंड आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी कब अप्लाई होगी? जब हमारे पास दो स्क्वायर्स के डिफरेंस हो, दो स्क्वायर्स हों, उनका डिफरेंस हो, तब हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 2 और साइन बीच में क्या होगा? माइनस, और दोनों टर्म्स क्या होंगी? स्क्वायर्ड फॉर्म्स में होंगी, तब हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। और हमारा जो फैक्टराइजेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा? a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, अब ये समझने के बाद हम फोर्थ आइडेंटिटी के केस बाद में लेंगे थोड़ा, पहले इन्हीं पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं आपकी बुक से। वी टेक हियर एग्जाम्पल 4, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 8x +16। देखिए कॉमन फैक्टर मेथड अप्लाई नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। रीग्रुपिंग हम यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि कोई भी दो को ग्रुप करेंगे तो तीसरी ऐसे ही बच जाएगी। तो ऐसे में हमें यूज़ करनी चाहिए आइडेंटिटीज़। देखते हैं क्या वो अप्लाई हो भी पा रही है या नहीं। तो यहाँ आप फर्स्ट टर्म को देखिए, ये है x का स्क्वायर। फिर हम देख रहे हैं 16 को, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आप सेंटर में यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए और एक बार इन दोनों को, x को और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × x × 4। और चेक कीजिए इस स्टेप पर, यहाँ पर चेक कीजिए कि क्या इनका प्रोडक्ट 8x आ रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे 2 × 4 = 8x, तो इसका मतलब 8x और ये बिल्कुल सही है। तो दिस मीन्स दिस फुल एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज दिस वन। और अब ये क्या फॉर्म हो गया, a² + 2ab + b²। अब हम रिवर्स अप्लाई करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी, और ऐसे में हम यहाँ से तो लेंगे x, यहाँ से लेंगे 4 और ये बीच का सिंबल है प्लस, तो प्लस और होल स्क्वायर। यू कैन यूज बाय आइडेंटिटी फर्स्ट, मेंशन इट ऑल्सो। By identity first we have a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को x + 4 होल स्क्वायर लिख रहे हैं। We write here completely, give the reason. So here we have the two factors as x + 4 × x + 4। ये आप ना भी लिखें, यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी वो क्लियर है, सही है। एंड सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। क्लियर है यहाँ पर हम कैसे आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं और फिर फैक्टराइज कर रहे हैं। वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, फैक्टराइज 4y²। वी राइट हियर द सोल्यूशन, 4y² - 12y + 9। इसको फैक्टराइज करना है। फिर से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, ग्रुपिंग हम कर नहीं सकते। फर्स्ट टर्म को देखिए, 4y², ये एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, 2y का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, y का स्क्वायर करेंगे y²। यहाँ से 9 भी हमें परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर। और एक बार यहाँ माइनस है तो माइनस, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2y × 3। और इस स्टेज पर चेक कीजिए क्या ये प्रोडक्ट 12y के इक्वल है या नहीं। 2 × 4, 4 × 3 = 12y, बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। और ऐसे में ये क्या एक्सप्रेशन हो गया, a² - 2ab + b²। ये फॉर्म हो गया और ये इक्वल होता है a - b होल स्क्वायर फ्रॉम आइडेंटिटी सेकंड। ये यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। एंड सो हियर वी कैन राइट इट एज, कैसे शुरू करेंगे, यहाँ से लेंगे 2y, यहाँ से लेंगे 3 और क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस होता तो प्लस लेते, कंप्लीट। And then square, whole square, 2y - 3 होल स्क्वायर। These are the factors of this given expression, 2y - 3, again 2y - 3, and this is the required factorization। ठीक है, clear है कैसे हम identity apply कर रहे हैं और दिए हुए expression को factorize कर रहे हैं। यहाँ पर number of terms 3 हैं और हम देख रहे हैं 2 टर्म्स हैं ऐसी जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इसलिए हम फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई कर पा रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर देखना। वी टेक वन मोर। अब आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। वी स्टार्ट द सॉल्यूशन बाय राइटिंग द एक्सप्रेशन 49p² - 36। बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ओनली 2। बीच में क्या साइन है, माइनस है। फिर क्या ये स्क्वायर टर्म्स हैं, ऑब्वियस है। 49, 7 का स्क्वायर होता है, p² दिख ही रहा है। 36, 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर टर्म्स के डिफरेंस हो रहा है। एंड सो विच आइडेंटिटी विल बी अप्लाइड, द थर्ड वन। वी कैन राइट इट एज 7p होल स्क्वायर। ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट का मतलब हुआ 7 का भी स्क्वायर और p का भी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करने से 49 मिलेगा, p का स्क्वायर करने से p² मिलेगा। एंड देन -6²। यहाँ पर क्योंकि सिंगल वैल्यू है तो हम ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी गलत नहीं है, इट्स ओके। 6² मीन्स 36 itself। And now here, if we don't apply the bracket here, suppose we write it as 7p square, तो इसका मतलब ये आया कि p का तो स्क्वायर हो रहा है पर 7 का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं तो ये रॉन्ग मीनिंग आ जाएगा यहाँ पे। इसलिए जब दो वैल्यूज़ हों, यहाँ दो वैल्यूज़ हैं, 7 भी है और p भी है, तो जब भी दो वैल्यूज़ हों तो ब्रैकेट लगाकर फिर आप स्क्वायर कीजिए, और सिंगल वैल्यू हो तो आप इस तरह से बिना ब्रैकेट के भी स्क्वायर कर सकते हैं। फ्रॉम हियर नाउ वी विल अप्लाई द रिवर्स ऑफ द थर्ड आइडेंटिटी, a square minus b square. This can be written as a plus b, a minus b, and using this identity we can easily write 7p plus 6, 7p minus 6. These are the factors of this expression. कितना easy है, दो steps में answer आ गया। समझ में आ जाए तो बहुत easy है और मज़ेदार भी है। We take here example 7 now. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन पर फोकस कीजिए, ये तो सेकंड आइडेंटिटी से रिजेंबल कर रहा है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड देन माइनस सी स्क्वायर। यू कैन राइट द रीजन यूजिंग आइडेंटिटी second. हमने यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दो स्क्वायर्स का डिफरेंस आ रहा है। ये हो गया फर्स्ट स्क्वायर, ये हो गया सेकंड स्क्वायर, और उसका डिफरेंस हो रहा है। तो ऐसे केस में अप्लाई होगी आपकी थर्ड आइडेंटिटी। एक बार आप इनके बीच में प्लस लेंगे और एक बार आप इनके बीच में माइनस लेंगे। वी विल राइट हियर a माइनस बी प्लस सी, ये तो हो गया पहला, और सेकंड फैक्टर कैसे आएगा, a माइनस बी माइनस सी। यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड गिव द रीजन, एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज a माइनस बी प्लस सी, ब्रैकेट बीच वाला हटा लीजिए, a minus b minus c, and these are the two factors of this given expression. Okay, next we take example 8. Now we have m raised to power 4. Let us write it, m raised to power 4 minus 256. We are writing the solution now. अब आप देखिए 256, क्या ये एक square term है? हमें पता है कि it can be written as 16 square. लेकिन यहाँ m की पावर है 4, हम चाहते हैं ये भी स्क्वायर टर्म्स में हो जाए, जिससे हमारे पास दो स्क्वायर्स का डिफरेंस आ जाए और तब हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर पाए। तो यहाँ 4 को ब्रेक कर लेते हैं, 2 और 2 अलग अलग कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, एक टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दिस इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्म तो आ गया। और यहाँ पर फिर वही आइडेंटिटी लगाएंगे, यही वाली, and the expression that we will get a square minus b square, it is equal to a plus b into a minus b. Using this identity we can write here m square plus 16, m square minus 16. ये clear हो गया, ये first term पूरी एक साथ आप assume कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी, ए की जगह अब क्या आएगा, एम स्क्वायर, तो ए प्लस बी, यहाँ बी की जगह क्या है 16, और ए माइनस बी, यही आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। जिन भी टर्म्स का स्क्वायर हो रहा है उन टर्म्स के बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस। अब बीच में प्लस है, ये तो ठीक है ऐसे ही रहेगा, ये जो माइनस है इस पर एक बार फिर से फोकस कीजिए। m का स्क्वायर हो रहा है और 16 भी तो 4 स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस 16, ये तो ऐसे ही रहेगा, बीच में प्लस है तो कुछ नहीं करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 16 इज़ नथिंग बट 4 स्क्वायर। फिर से ये फॉर्म आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो स्क्वायर्स का डिफरेंस जो हमने डिस्कस किया हुआ है। और ऐसे में एम स्क्वायर प्लस 16 तो ठीक है ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा आपका m प्लस 4 इंटू एम माइनस 4, अगेन यूजिंग आइडेंटिटी 3. Again using this identity, in place of number I should write in Roman numeral because we have indicated with that. Yes. Again using identity 3 we get this result m + 4 m - 4. तो यहाँ जो original एक्सप्रेशन था उसके आप देख सकते हैं इस तरह से 3 फैक्टर्स आर देयर. एक बार फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ हम देख रहे हैं कि m⁴ को हमने स्प्लिट कर दिया m² और फिर पावर एक और 2 लगा दी. ये हो गया 16². तो ये फॉर्म हो गया a² - b². इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए स्प्लिट किया a + b a - b और फिर हम यहाँ देख रहे हैं फिर से ये स्क्वायर फॉर्म आ रहा है. 2 स्क्वायर्स का डिफरेंस. फिर से थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई की और ये आंसर मिल गया. तो ये तो क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन द फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज़. अब हम चलते हैं 4th आइडेंटिटी की तरफ कि उसके एक्सप्रेशंस कैसे दिखाई देंगे. वी टेक द केस हियर द फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x + a × x + b. व्हाट वी सी हियर कंसिडर एक्सप्रेशंस लाइक x² + 5x + 6. यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अभी तक हम जो केस कर रहे थे उनमें ये भी परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा था पर अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसी तरह से यहाँ आप देखेंगे y² इज़ परफेक्ट बट हियर 12 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अगेन हियर 12 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इस तरह के एक्सप्रेशंस हम कैसे फैक्टराइज करेंगे. ये एक्सप्रेशंस हैं ऑफ दिस फॉर्म x² + px + q और इनको फैक्टराइज करने के लिए हम फोकस करेंगे इस कांस्टेंट टर्म q पर. q के फैक्टर्स करेंगे. मान लीजिए q के फैक्टर्स हैं a × b और हमें वो फैक्टर्स लेने होंगे q के जिनको अगर हम ऐड करें तो हमें ये मिडिल टर्म में जो कोएफिशिएंट है ये p ये मिल जाए a + b i p. और तब हम x² + px + q को लिख पाएंगे. x² + p की जगह हम लिख पाएंगे a + b × x और q की जगह हम लिख पाएंगे a × b. फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं इस तरह से. इसे हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड. और यहाँ आपने p को इस तरह से a + b में स्प्लिट किया. ax + bx मिल जाएगा. यहाँ इस स्टेप में आप ओपन अप करेंगे ब्रैकेट को तो ax + bx मिल जाएगा. बाकी रिमेनिंग टर्म सेम है. फिर यहाँ पर आपके पास 4 टर्म्स हो गई 1 2 3 4. वही ग्रुपिंग करेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स की और लास्ट 2 टर्म्स की. फर्स्ट 2 में x कॉमन लेके ये मिल गया हमें फैक्टराइजेशन. लास्ट 2 में आप देखेंगे b कॉमन है और ये फैक्टराइजेशन हो गया. अगेन वी आर हैविंग x + a एज द कॉमन फैक्टर. इसको बाहर ले लिया और फिर x + b हो गया सेकेंड फैक्टर. और इस तरह से अगर हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है उसको हम इस फॉर्म में ले आते हैं और फिर यहाँ से हम इन फैक्टर्स तक पहुँचते हैं और ये हो गया रिवर्स ऑफ द 4th आइडेंटिटी. अब अभी ऐसे समझने से नहीं आएगा. हमें चाहिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स. जब वो करेंगे तभी बेहतर समझ में आएगा. एक एग्जाम्पल करते हैं और फिर से एक बार इस पर आ जाएंगे. वी टेक हियर एग्जाम्पल 9 फ्रॉम योर बुक. फैक्टराइज x² + 5x + 6. अब आप देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं. नंबर ऑफ टर्म्स 2 नहीं है. तो थर्ड आइडेंटिटी का केस तो बिल्कुल ही खारिज हो गया. वो तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी. फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज़ अप्लाई हो पाती अगर ये जो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर होती पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 6 इज़ नॉट अ स्क्वायर टर्म और ऐसे में हम फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज़ भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तब हम क्या करेंगे. ये जो कांस्टेंट टर्म है 6 इसके फैक्टर्स करेंगे. यहाँ पर आप फॉर्म देखिए कैसा है. पहली टर्म है x² फॉर्म की. सेकेंड टर्म में सिर्फ x है और साथ में कुछ नंबर भी है कोएफिशिएंट कहते हैं जिसे हम. और फिर एक कांस्टेंट टर्म है. हमेशा हम यही पैटर्न देखेंगे. पहली टर्म में वेरिएबल स्क्वायर, सेकेंड टर्म में वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट और थर्ड टर्म कॉन्स्टेंट होगी. तो जो कॉन्स्टेंट होगा उसको हम देखेंगे उसके फैक्टर्स करेंगे. अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. 2 3s 6 हो सकता है. 6 1s 6 भी हो सकता है. इन फैक्टर फॉर्म्स में से वो वाला फॉर्म सिलेक्ट करेंगे. वो 2 फैक्टर्स सिलेक्ट करेंगे जिनका सम हो ये मिडिल टर्म 5. सिर्फ नंबर को देखना है. x को नहीं यहाँ देखेंगे सिर्फ नंबर को. तो इनमें से ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिनको प्लस करने से 5 आए. इन दोनों को प्लस करने से तो हमें 7 मिलेगा और इन दोनों को प्लस करने से 2 + 3 करने से हमें 5 मिलेगा. तो ये पेयर हमारे काम का है. हम यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट कर देंगे. x² + ये 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3 और फिर साथ में x + 6. सब कुछ वही लिखा है, सिर्फ ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। वी ऑल्सो कॉल दिस मेथड एज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसको ये मेथड भी कहते हैं, दिस शुड बी ऑल्सो नोन टू यू। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स सोचने हैं, उन फैक्टर्स के पेयर्स में से वो पेयर लेना है जिनको ऐड करने से ये मिडिल टर्म मिल जाए, ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू 5, और वो हमें मिल गई है 2 + 3। तो अब हम 5 की जगह लिखेंगे 2 + 3, बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखा है। देखिए x² ऐसे ही है, प्लस भी ऐसे ही है, x भी ऐसे ही है, +6 भी ऐसे ही है, बस 5 को स्प्लिट कर दिया है। यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² प्लस ये 2 और x मल्टीप्लाई होके 2x प्लस 3 × x विल बी 3x +6। अब ये 4 टर्म्स हो गई, 3 से ये 4 टर्म्स हो गई। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से ये 2 हिस्सों में हो गई और अब 3 से ये 4 टर्म्स हो गई। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म्स ग्रुप करेंगे, लास्ट 2 टर्म्स ग्रुप करेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन है x, इसको बाहर ले लीजिए कॉमन फैक्टर। x² में से 1x बाहर 1x अंदर, प्लस x तो बाहर है 2 अंदर आएगा, प्लस यहाँ पर आप देखिए 3 और 6 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 को कॉमन लीजिए, 3 बाहर x अंदर, प्लस अब 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है तो 2 आएगा यहाँ पर। यू कैन ऑल्सो चेक बाय मल्टीप्लाइंग 3x + 3 ⋅ 6, बिल्कुल ठीक है। नाउ हियर वी सी दिस फैक्टर इज सेम इन बोथ द टर्म्स, x + 2 x + 2, और ये सेम आना भी चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। तो ये दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सेम आने चाहिए, आ रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। अब ये जो सेम फैक्टर है कॉमन फैक्टर, इसको बाहर ले लीजिए। यहाँ से इस पूरे टर्म में से x + 2 बाहर x अंदर, प्लस इस पूरी टर्म में से x + 2 बाहर और 3 अंदर, और अब हमारे फैक्टर्स हो गए x + 2 x + 3, और यही है हमारा 4th आइडेंटिटी का रिवर्स। आप देखिए यहाँ पर ये वो वाला फॉर्म हो गया। अगर हम इसको चेंज करें, x² + a + b x + a × b, ये फॉर्म है। और फिर यहाँ पर हम इसको लिख पा रहे हैं x + a × x + b, और ये कैसे आ रहा है, ये बीच के स्टेप्स हैं। तो आप चाहें तो इस स्टेप से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं x + 2 x + 3, पर क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ प्लस ही है तो डायरेक्टली लिखना सही था, इजी था, हम लिख सकते थे। पर आगे चल के जैसे जैसे माइनस के केसेस भी आएंगे तो हो सकता है हम डायरेक्ट लिखने पर गलत कर पाएँ, तो इसलिए गलत ना हो, इसलिए हम यहाँ पर ये पूरे स्टेप्स फॉलो करते हुए रिजल्ट तक पहुँचेंगे। ओके, तो अब यहाँ मेन बात क्या है, कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, और उनकी पहचान क्या है। पहली टर्म x² की होगी, दूसरी टर्म ओनली वेरिएबल विथ इट्स कोएफिशिएंट, थर्ड टर्म कांस्टेंट होगी, और ये जो कांस्टेंट है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तब तो हम फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करके इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम ये कांस्टेंट के फैक्टर्स ढूंढेंगे ऐसे जिनका सम हो ये मिडिल टर्म, और फिर स्प्लिट करते हुए इस तरह से चलेंगे। यही बात यहाँ कही गई है, टू फैक्टराइज x² + px + q, वी फाइंड टू फैक्टर्स a एंड b ऑफ q which is the constant term here such that the product is q and the sum is equal to p which is the middle term here. और फिर हमने यहाँ पर इस तरह से factors obtain किए हैं। We take more example here. Example 10. Find the factors of, here we see y² - 7y + 12. We write the solution y² - 7y + 12. यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 12, तो 12 के फैक्टर्स चाहिए हमें। 12 किस किस की टेबल में आता है, वी नो 2 × 6 = 12, 3 × 4 भी 12 होता है, 12 × 1 भी 12 होता है। 3 पेयर मिल रहे हैं हमें 12 के फैक्टर्स के फॉर्म में, तो इनमें से हमें वो पेयर सिलेक्ट करना है जिनको प्लस करने पे हमें क्या मिल जाए, मिडिल टर्म, और वो क्या है 7। तो आप देखिए 2 + 6 ये तो 8 है, तो ये पेयर तो हमारे काम का नहीं है। 3 + 4 = 7, ये हमारे काम का है। 12 + 1 ये तो 13 है, ये भी काम का नहीं है। यहाँ काम का है 3 और 4, क्योंकि 3 + 4 = 7 एंड 7 इज़ द मिडिल टर्म। समझ रहे हैं आप। अब हम ये पूरा एक्सप्रेशन सेम लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से प्लस 12, यहाँ पर वाई, सब कुछ सेम लिखा है, बस 7 की जगह अब हम क्या लिखेंगे 3 + 4। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना है, वाई स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, यहाँ से तो ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी और 4 से भी, और इधर से ये y इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी और 4 से भी, तो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, -3y, आगे से माइनस पीछे से y, फिर माइनस और प्लस, फिर से माइनस होगा, ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है, 4 के आगे ये तो प्लस ये माइनस, तो माइनस और प्लस की लड़ाई में माइनस ही आगे आएगा, यहाँ पर जीतेगा, और ये हो जाएगा -4y, तो आगे से माइनस और पीछे से y, और फिर हम लिखेंगे +12। ये स्टेप क्लियर है। अब आप देखिए 4 टर्म्स हो गई, ग्रुपिंग करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, इनमें जो कॉमन है उसको बाहर लेंगे, y कॉमन इज देयर एंड सो टेक इट आउट, y स्क्वायर में से एक y बाहर एक अंदर, माइनस y तो बाहर है 3 अंदर आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर -4 और 12 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, 4 कॉमन आएगा, टेक इट आउटसाइड, अब 4 तो बाहर है y अंदर, और क्योंकि यहाँ माइनस है ये साइन चेंज होगा, हमने बार बार अभी डिस्कस किया था कि ये साइन अगर माइनस हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और ऐसे में 4 × 3 = 12 होता है, यहाँ आएगा 3, प्लस से ये माइनस हो जाएगा जब ये बाहर माइनस हो। आप समझ सकते हैं कि ये प्लस कैसे बनता है, -into-, जिसमें से एक माइनस बाहर और एक माइनस अंदर, आप इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ वी सी y - 3 इज़ द कॉमन फैक्टर इन बोथ दीज टर्म्स, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, y - 3 ये कॉमन हो गया, और यहाँ क्या आएगा y और -4, यहाँ से y यहाँ से -4, एंड सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। ओके, क्लियर। Next we have question 11, or we should say example 11 from your book. We have to do this one. Obtain the factors of z² - 4z - 12. अब यहाँ पर फिर से पहले constant term पर चलिए, वो क्या है 12. 12 के ऐसे factors जिनको इस बार minus करने पर हमें 4 मिले. For this we take the factors of 12. क्या क्या है, 6 2s 3 4s 12 1s, ये फैक्टर्स हैं 12 के पेयर फॉर्म में। इनमें से हम देखते हैं कि प्लस करने से तो 4 आएगा नहीं, किसी को भी प्लस करेंगे तो 4 नहीं आएगा, जब प्लस करने से 4 नहीं आ रहा तो माइनस करने से 4 आए, ऐसा पेयर चाहिए हमें। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 12 के फैक्टर्स कर लिए हमने, उनमें से वो पेयर जिनको प्लस करने से 4 आए, तो प्लस करने से 4 आपको किसी भी केस में नहीं मिलेगा, तो माइनस करने से 4 आए तो आप देखेंगे 6 and 2, 6 - 2 = 4, and here we can now split the middle term. z square ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, z ऐसे ही रहेगा, -12 भी ऐसे ही रहेगा, बस इस 4 की जगह हम क्या लिखेंगे अब 6 - 2, क्योंकि 6 में से 2 माइनस करने पर ही तो 4 आएगा, और ये 6 और 2 वैल्यू कहाँ से मिल रही है हमें, 12 के फैक्टर्स में से। वैसे तो 7 - 3 भी 4 होता है, ऐसे ही 9 - 5 भी 4 होता है, तो क्या कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं कि यहाँ पे नहीं, हम सिर्फ वही वैल्यूज़ चूज़ करेंगे जिनका प्रोडक्ट हो ये कांस्टेंट टर्म। 6 और 2 इनका प्रोडक्ट है 12, इसीलिए 6 और 2 लिया है। 7 × 3 = 21 होता है, 12 तो नहीं होता, 9 × 5 = 45 होता है, 12 तो नहीं होता, इसलिए ये कॉम्बिनेशंस यहाँ पर फेल हो जाएंगे, ये नहीं लेंगे यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो पहले आप कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स कीजिए, उन्हीं में से आप सिलेक्ट कीजिए वो पेयर जिनको प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म मिल जाए, प्लस करने पर या माइनस करने पर मिडिल टर्म मिल जाए हमें, न्यूमेरिकल पार्ट दिस नंबर 4। अब यहाँ से हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, फिर से आप देखेंगे ये आगे से तो माइनस मल्टीप्लाई होगा और पीछे से ये z मल्टीप्लाई होगा, 6 से भी और 2 से भी, तो ये हो गया z² - 6z, आगे से माइनस पीछे से z, फिर आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 2 और पीछे से z -12, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड देन 2z - 12। अब ये 4 टर्म्स हो गई। फर्स्ट 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, लास्ट 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन है z, इसको बाहर कॉमन फैक्टर ले लीजिए। z स्क्वायर में से z बाहर, एक z अंदर, माइनस z बाहर 6 अंदर, देन प्लस यहाँ पर आप देखेंगे 2 इज़ कॉमन, 2 की टेबल में 12 और 2 दोनों हैं, बाहर ले लीजिए कॉमन फैक्टर, 2 बाहर z अंदर, और यहाँ आ जाएगा माइनस। देखिए यहाँ पर प्लस है तो अब ये साइन चेंज नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है। अगर प्लस है, माइनस है तो सावधान होना है और अंदर का साइन चेंज करना है। पर अभी प्लस है तो एज इट इज़ रहेगा माइनस, एंड 2 - 6 = 12 तो 6 आएगा। अब ये दोनों जो है फैक्टर सेम आ रहे हैं, आंसर सही चल रहा है। नाउ टेक दिस कॉमन फैक्टर आउट, z - 6, और यहाँ से z बचेगा, यहाँ से +2। हमने ये कॉमन फैक्टर बाहर ले लिया और यहाँ से z, यहाँ से +2, एंड सो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 12, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 3m² + 9m + 6। अब इसके फैक्टर्स हम करेंगे। 3m² + 9m + 6, यहाँ पर वेरिएबल जो है x की जगह अब m हो गया है। और क्या देख रहे हैं हम कि m स्क्वायर के साथ तो एक नंबर यहाँ पर है, एक कोएफिशिएंट है m स्क्वायर का, जबकि अभी तक हम जो केसेस कर रहे थे ये स्क्वायर टर्म में कोई कोएफिशिएंट नहीं था। देखिए आप, कोई कोएफिशिएंट नहीं था, ये सभी एग्जाम्पल्स में देखिए आप, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, जबकि इस केस में हमें यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, यू विल सी 3 इज़ कॉमन इन ईच टर्म, 3, 9 and 6, ऑल द 3 आर डिविजिबल बाय 3, एंड सो 3 विल बी द कॉमन फैक्टर एंड इट विल बी टेकन आउटसाइड। तो पहले तो हम कॉमन फैक्टर 3 को बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या बचेगा, m² + 3m, क्योंकि 3 × 3 = 9 होता है, एंड देन 3 × 2 = 6, इस तरह से 3 बाहर, m² अंदर, 3 × 3 = 9, सो 3m, 3 × 2 = 6, सो हियर। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं सही लिखा है या नहीं। अब हम अंदर वाले एक्सप्रेशन पे आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 टर्म्स आर देयर और 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज़ अप्लाई नहीं हो पाएंगी। और ऐसे में हम ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है 2, इसके फैक्टर्स करेंगे। 2 के फैक्टर्स तो यही पॉसिबल है, 2 × 1 = 2, और ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको सम अप करने पर ये बीच वाली टर्म आ जाए, तो वो भी मिल रही है। 2 + 1 is 3, तो इस 3 को हम स्प्लिट कर देंगे। कैसे? ये तो 3 बाहर वाला ऐसे ही रहेगा, m² + इस 3 की जगह हम लिख सकते हैं 2 + 1, और फिर m + 2। ठीक है, ये आप रफ में करेंगे। हमने ये जो कांस्टेंट टर्म है 2, इसके फैक्टर्स किए इस तरह से कि उनको जोड़ने पर 3 आ जाए, जो मिडिल टर्म है। उस तरह से हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। अब यहाँ पर m² विल बी एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2m + 1m, ब्रैकेट खोल दिया है, एंड देन 2। अब यहाँ पर 4 टर्म्स हो गई, और ऐसे में फर्स्ट 2 टर्म्स में हम कॉमन फैक्टर बाहर लेंगे। m इज़ कॉमन, फर्स्ट 2 में m कॉमन दिख रहा है, m² में से एक m बाहर एक अंदर, m बाहर है 2 अंदर आएगा, प्लस यहाँ हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, 1m + 2, तो आप ऐसे में 1 ले आया कीजिए। जहाँ कुछ कॉमन ना दिखे वहाँ 1 तो हमेशा ही है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1। इफ़ इट्स नॉट क्लियर, लेट मी रीराइट इट। यहाँ है आपका 2, और अब हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको 2 × 1 ले लीजिए, तो 1 कॉमन आ गया, m, एंड देन 1 इज़ आउटसाइड, 2 विल बी इनसाइड, एंड देन वी सी हियर 3। और अब आप देखिए m + 2 दोनों में कॉमन है फैक्टर, 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, पहली टर्म ये और सेकंड टर्म ये, दोनों टर्म्स में m + 2 आप देख रहे हैं कॉमन फैक्टर है, उसको बाहर ले लीजिए और रिमेनिंग अंदर आ जाएंगे, यहाँ से m और यहाँ से +1, एंड सो वी हैव द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन गिवन एज 3 × m + 1, m + 2। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो इन दिस वे टुडे वी लर्न्ड हाउ टू फैक्टराइज गिवन एक्सप्रेशंस by using the algebraic identities. I hope all the questions, all the concepts are very much clear. Practice these questions and try the questions from exercise 14.2 till we meet in our next video. Bye for now.